पहले मुतअद्दिद बार 15 पर पुलिस को मदद के लिए कॉल किया। डीएसपी सिमड़ियाल से भी रابطہ किया मगर उसे तहफ़ुज़ ना मिला। ਵਿਚੇ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੋ ਉਧਰ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਓ ਕੇ ਹਮਰਾਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਾ ਔਰ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦੀ ਜਿਸਸੇ ਸਹਾਫੀ ਦਿਸ਼ਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਭੱਟ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਫੋਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਕੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਤੀ ਰਹੀ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇਗਵਾਲਾ ਗਿਆ ਥਾ ਜੋ ਆਪਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹੈ ਉਨਕੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣੇ तो आपका जो चेयरमैन है ना वो मुझे गालियां दे रहा है। वो कहता मैंने आपको मार देना है जान से मार देना। हेलो। मकतूल की वालिदा का कहना है कि उसका बेटा सच पर खड़ा था। कातिल बताएं उसके बेटे का जुर्म क्या था। मेरे पुत्र दे दिल विच कोई गल नहीं सी उते गरीबां दी इतनी मदद करता इतना प्यार करता सी ना की गना मेरे पुत्र दा मेरे पुत्र दे कातिल बस मैनू लब दे। कातिलों की निशानदही के बावजूद पुलिस नून लीग से ताल्लुक रखने वाले बाअसर मुल्जिमों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से गुरेजा है। कैमरामैन अजर सिद्दीक के साथ मियां अशफाक 24 न्यूज़ सियालकोट।